तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो जैसा कि आप जान सकते हैं कि मेरा ये 2022 का फर्स्ट ब्लॉग है, और ये मेरा ब्लॉग आप लोग देखिए, और मैं आपको अपने जीवन संबंधित और मैं अपने एरिया से संबंधित सारा इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ज़रूर देखें इसमें, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये छोटे से जो मेरा चैनल है उसको थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए प्लीज़। जैसा कि सुबह सुबह देख सकते हैं, ये मैं टोकरी में थोड़ा सा आलू रखा हुआ है, और इधर घिवरा अभी छिलाया हुआ है सुबह का सब्जी बनने के लिए तैयार, और ये धोया हुआ पानी, और ये मेरा थोड़ा किचन का जो ये डेकोरेशन है, यहाँ गैस है, और यहाँ देख सकते हैं कि आज मेरा गैस ख़त्म हो चुका है, जिसके कारण ये आज ये जलावन पर खाना पक रहा है, और ये सारा जलावन रखा जो हुआ है, ये सारा जलावन इमरजेंसी कोटा में रखा हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं ये मोबाइल के लिए रुसा हुआ है कार्तिक, कहता है कि हमको मोबाइल दे दीजिए तो हम आपको ब्लॉग बनाने नहीं देंगे। और इधर देखते पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है, इसको हम टास्क दिए हैं बनाने के लिए, लेकिन ये बना नहीं रहा है, कह रहा है कि पहले मोबाइल देखेंगे तब ही टास्क बनाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं चावल धोने के लिए तैयार है, और चूल्हा पर चावल का पानी चढ़ा हुआ है, और इधर देख सकते हैं कि मेरा एक खाली गैस पड़ा हुआ है, लेकिन गैस अभी महंगा चल रहा है। और इधर देख सकते हैं ये घिवरा, और इसमें लौकी का, और ये मेरा तुलसी आंगन का, और ये गली का रास्ता है, और ये अभी बारिश के कारण ये देख सकते हैं ये भिंडी जो फेंका हुआ भिंडी है वही जन्म के इतना बड़ा हो गया, और ये दूसरा भिंडी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ये बारिश के कारण मैं हम लोगों का रास्ता जाम हो चुका है, क्योंकि हम लोगों का एरिया का रास्ता बहुत ही ख़राब है, हम लोग निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर ये लगा हुआ है लौकी कद्दू जिसको कहते हैं, और ये मेरे बगल का एरिया देख सकते हैं कि जंगलों से भरा हुआ है, अभी बारिश भदवारी चल रहा है, इस कारण से इतना सारा जंगल यहाँ पर देख सकते हैं। और ये हम लोगों का ट्री क्या कहते हैं इस गांव घर का, और ये देख सकते हैं बोर्ड बोर्ड इसलिए लगाए हुए हैं कि यहाँ पर कोचिंग पाया होता है, यहाँ पर सर आते हैं तो थोड़ा मोड़ा हवा की ज़रूरत होती है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर रंग बिरंग की बीमारियों का इलाज होता है, जिसमें इसमें जितना भी लिखा हुआ है सभी जड़ी बूटी आयुर्वेदिक तरीका से बीमारी का इलाज होता है। और यहाँ पर कद्दू माने घिवरा छिलाया जा रहा है, और जैसा कि देख सकते हैं कि आज सुबह से ही गैस ख़त्म हो चुका है, इसलिए यार घिवरा इसी पर चलेगा, और इधर ये अभी भी टास्क बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, जैसे देख सकते हैं।